हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉलेज एंड करिकुलम बुक, जो कि बीएड सेकंड ईयर की बुक है। इसका फर्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि बहुत बार लॉन्ग ऐसे टाइप में पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें मीनिंग, टाइप्स, मेथड ऑफ नॉलेज और नोइंग क्या है, इसको समझेंगे। तो इनमें से कोई भी दो क्वेश्चन आपस में लिंक करके पूछ दिए जाते हैं। आप भी कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या है नॉलेज का। तो नॉलेज क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन है, एक स्किल है, एक अंडरस्टैंडिंग है। ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि सबसे पहले हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो कि शायद मीनिंगफुल नहीं है। वो जब डाटा है हमारे पास, उसका सेट इकट्ठा हो जाता है, मीन्स कुछ सेंटेंसेज जो आपस में मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, फिर उसको हम इकट्ठा करते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। जब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो जाती है तो एक वैल्यूफुल, मीनिंगफुल जो निकल कर आता है उसको हम नॉलेज कहते हैं, ठीक है। जब नॉलेज को हम प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें विजडम मिलती है। तो ये ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो इसको गेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सपीरियंस चाहिए या डिस्कवरी चाहिए, लर्निंग चाहिए, तभी हमें ये जो सारे स्टेप हैं वो हम कवर कर पाते हैं। तो नॉलेज एक स्ट्रक्चर है, एक डाटा का, फैक्ट्स का, जो कि हमें विजडम प्रोवाइड करता है। अनदर वर्ड में बात करें तो एक यूनिफाइंड सिस्टम ऑफ थॉट्स है, मीन्स जब हमारे थॉट्स एक ही चीज़ के ऊपर, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट पे कह सकते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम नॉलेज कहते हैं। और जो ये नॉलेज है, ये जो ये हमारे थॉट्स हैं, वो बेस होते हैं ट्रू बिलीव के ऊपर और जस्टिफाइड फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। फिर है हमारे पास कुछ डेफिनेशन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग। तो ये डेफिनेशन अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, आप ऐसे कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक या दो, इससे आपका एग्ज़ाम रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा लगता है, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो नॉलेज क्या है? एक डायनामिक इन नेचर है, ठीक है, गतिशील है, कभी भी रुकती नहीं है और चेंज हो जाती है पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी आते हैं, तो नॉलेज की जो फॉर्म है वो चेंज होती रहती है। फिर है हमारे पास सेकंड कि नॉलेज जो है वो एक लाइट की तरह है, ठीक है, जो कि जैसे लाइट जो है वो डिस्पेल करती है डार्कनेस को, डार्कनेस को हटा देती है, ऐसे ही जो नॉलेज है वो इग्नोरेंस को कह सकते हैं या फिर अज्ञान को वो है ख़त्म कर देती है, ठीक है। नॉलेज क्या है? एक पावर है और मैन जो है उसको मेंटेन करके चलता है इस पावर को, और नॉलेज को गोल्ड से भी ऊपर माना जाता है। और किसी भी नॉलेज को एक्विजिशन करना है, मीन्स अर्जित करना है, धारण करना है, तो उसके लिए मेंटल प्रोसेस, कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो क्या रहती है कि सबसे पहले हम उसको अनुभव करते हैं। परसेप्शन मतलब कोई भी चीज़ है उसका हमें अनुभव होता है, फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं? बातचीत करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते हैं और फिर उसके ऊपर हम तर्क देते हैं, ठीक है। तो उसको इस तरह से नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स की। सबकी कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है नॉलेज को एक्वायर करने की। फिर हमारे पास नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, इसको भी आप इसी कॉन्सेप्ट में, मीनिंग में लिख सकते हैं कि नॉलेज जो एक थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल चीज़ भी है, ठीक है, और कभी भी ख़त्म नहीं होती, कभी भी डिके नहीं होती। और नॉलेज जो है इज़ अ लाइक अ वेल्थ, एक मनी की तरह है, जैसे कि जब हमें वो मिलती है तो हमें और चाहना होती है कि और मिले, ऐसे भी नॉलेज भी क्रेविंग उत्पन्न करती है कि हमें और ज़्यादा नॉलेज मिले। तो नॉलेज जो है क्या है? बाउंडलेस है, इसको आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते। नॉलेज जो है अकाउंट फॉर द सक्सेस फॉर द पीपल, ठीक है, ये जिसके पास भी जाती है उसको क्या मिलती है? जीवन में सक्सेस मिलती है। इट्स अ पावरफुल टूल और इम्पॉर्टेंट है, लाइफ के हर फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और डायनेमिक इन नेचर होती है, गतिशील है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है, ठीक। अब हमारे पास मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज या सोर्स ऑफ नॉलेज, दोनों में आंसर सेम ही रहेगा। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसमें क्या कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं, जो फैक्ट निकल के आते हैं, वो क्या एक नॉलेज है हमारे पास। तो ये हम किस में करते हैं? साइंस में करते हैं, साइकोलॉजी में करते हैं, हमारे पास जियोग्राफी है उसमें करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम न्यू नॉलेज को गेन करते हैं। फिर है थ्रू सेंसेस, जैसे कि किसी चीज़ को टच किया, स्मेल किया या टेस्ट किया, मींस हमारी फाइव सेंसेस के थ्रू, हियर करके या सी करके, जब चीज़ों को हम लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस में लाते हैं, तो हमारी नॉलेज गेन होती है, इन्हेंस होती है। जितनी हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं किसी भी चीज़ के अंदर, उतनी वो नॉलेज जो कॉम्प्रहेंसिव हमें गेन होती है, और डीप नॉलेज हमें गेन होती है। फिर हमारे पास कम्स फ्रॉम अथॉरिटी, मींस जो अथॉरिटी से आती है, मींस कोई स्पेशलाइज्ड है किसी फील्ड में, उसके ऊपर मींस उसके पास डिग्री है, बहुत अच्छी नॉलेज है, या इसमें कोई बुक भी हो सकती है, अथॉरिटेटिव बुक है हमारे पास जिसमें फैक्ट्स लिखे हुए हैं, कोई पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट या फिलोसफर्स हैं, तो उनके थ्रू जब हम नॉलेज को गेन करते हैं।
इसके अलावा आप यहाँ पे एक और भी स्टेप लिख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, कम्स फ्रॉम दी रिलीजियन बुक, ठीक है, जो रिलीजियस है हमारे, जैसे कि हमारे ग्रंथ हैं और हमारी बुक्सीज हैं रिलीजियस सारी, उनसे भी हम न्यू नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। फिर है बाय एक्सेप्टिंग दी ट्रेडिशन, जो हमारे फोर फादर्स फॉलो कर रहे हैं उनके ट्रेडिशन को ही फॉलो करते हैं, जब हमें सोल्यूशन मिलते हैं तो न्यू नॉलेज हमारी गेन होती है। और कहते हैं कि कोई भी ट्रेडिशन जब आप फॉलो करते हो तो पहले उसको इवेल्यूएट करो कि वो सही भी है या नहीं है, उसके बाद ही उसको फॉलो करना चाहिए। अब हमारे पास इंट्यूटिव इंट्यूशन जो होती है ये सडन होती है, ये जो नॉलेज गेन होती है वो हमें अचानक से होती है, जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है या बहुत काम होता है तो हमारी जो सोल है उसमें बहुत सारी नॉलेज भरी होती है, तो वो क्या होती है मर्ज होती है, लेकिन जब हम साइलेंस में होते हैं तो वो क्या इमर्ज होनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स हमारे ही अंदर से वो निकलनी शुरू हो जाती है, अवेकन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी हो सकती है और इल्यूमिनेशन भी हो सकता है, एक रोशनी हो सकती है परमात्मा के अकॉर्डिंग, या हमारे अंदर की जो सोल है वो अवेकन होती है उसके अकॉर्डिंग। फिर है मेडिटेशन क्या है, हमारी अंदर की नॉलेज को अवेकन करने का, और इसमें हम बाहर से भी नॉलेज ले सकते हैं किसी और से द्वारा कनेक्ट होके, ठीक है, क्योंकि हम मेडिटेशन में क्या करते हैं किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हैं या सोर्स पे या गॉड पे फोकस करते हैं, जिससे हम उनसे डायरेक्ट जो है बात करके नॉलेज को गेन करते हैं, या किसी कोई मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसको इन्फेरेंस करते हैं, हम उस लोगों को बता सकते हैं कि उसका ट्रू मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो इसके थ्रू भी हम न्यू नॉलेज को गेन करते हैं। फिर है हमारे पास इंडक्टिव और डिडक्टिव मैथड। इंडक्टिव मैथड क्या है कि जब हमारे पास मान लो कि कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं और हम उसमें जर्नल की ओर जाते हैं, मीन्स ये थोड़ा गलती से लिखा गया था उल्टा, तो स्पेसिफिक से जर्नल की ओर जाते हैं, मीन्स कि हमारे पास मान लो कि मैथमेटिक्स में पहले हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम्पल को करने के बाद हमने एक फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, तो इसको हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। डिडक्टिव मेथड में जस्ट इसका अपोजिट होता है कि सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल नहीं लेते, हम इसमें फॉर्मूला ही लेते हैं डायरेक्ट, और फिर उस फॉर्मूला को लेके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जर्नल से स्पेसिफिक एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, ठीक है, ये है स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जर्नल की ओर, मतलब एक फॉर्मूले के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। इसको कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं कि एक लेके हमारे पास सिंपल फॉर्म में कोई चीज़ है और धीरे धीरे हम उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा रहे हैं, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, एग्जाम्पल से फॉर्मूला की ओर जा रहे हैं। डिडक्टिव मैथड में जैसे हमने समझा कि फॉर्मूला से एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, तो इस वजह से भी हमें क्या मिलती है न्यू नॉलेज गेन करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इस मेथड में भी हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, और जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो एंड रिजल्ट हमें क्या मिलता है, एक नई नॉलेज मिलती है। फिर है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें भी क्या है कि सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, फिर उस पर एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, इससे भी हमें न्यू नॉलेज अटेन होती है। फिर है हमारे पास एक्सपीरियंसिस के थ्रू, जो हमारे सेल्फ एक्सपीरियंस है वो भी हमें जब वो एक तरह से इंटीग्रेट करते हैं, बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लाइफ में कुछ नया सीखते हैं, हमारी नई हैबिट जो है वो फॉर्म होती है, हम फ्यूचर के डिसीजन जो है वो बेटर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टाइप ऑफ नॉलेज, मेथड ऑफ नॉलेज और टाइप ऑफ नॉलेज दोनों ही सीटेट में पूछे गए हैं, तो टाइप ऑफ नॉलेज जो है मैं पे 9 to 10 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि उसमें मैंने MCQs भी शेयर किए हैं और उसमें 14 to 15 जो है टाइप्स ऑफ नॉलेज जो एक्सप्लेन है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम करते हैं इसमें प्रायोरी नॉलेज। प्रायोरी नॉलेज क्या है, इसको नॉन इम्पेरिकल नॉलेज भी कहते हैं, जिसमें हमें किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, किसी जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और जो कभी भी डाउटफुल नहीं हो सकती, यूनिवर्सल होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम देखें कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, ठीक है, तो बैचलर्स अनमैरिड ही होते हैं, तो इसमें किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉजिक की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसको गलत नहीं कह सकता इस इंफॉर्मेशन को। फिर ऑल ट्रायंगल्स इज ए शेप्ड और फॉर्म्ड इन ए साइट ऑफ ए लाइन मीट, ठीक है, जब तीन लाइनें मिलती हैं तो उसको ट्रायंगल कहते हैं। तो दीज एग्जांपल नो नीड एनी एक्सपीरियंस, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्रायोरी नॉलेज या नॉन एम्पेरिकल नॉलेज बोलते हैं। अब हमारे पास पोस्टरियोरी नॉलेज, ठीक है, इस नॉलेज जिसको हम एम्पेरिकल नॉलेज भी कहते हैं, इसमें हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है जो कि डिपेंड होती है किसी एविडेंस के ऊपर, और इस टाइप की जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन से या फिर परसेप्शन से, सुपरविजन से ही गेन की जा सकती है, और ये यूनिवर्सल नहीं होती। जैसे कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो किसी ने वेदर का एक्सपीरियंस किया है, उसको पता है कि सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, वेदर क्या है, रेन क्या है, तभी वो बता पा रहा है, ठीक है, कि गर्मी है या सर्दी है या रेन चल रही है। दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ ए सच और सच प्रॉपर्टीज़, मीन्स इसका ये प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको एक अनुभव है उस चीज़ का, तभी वो बता पा रहा है। तो इस टाइप की नॉलेज को हम एम्पेरिकल नॉलेज या पोस्टरियोरी नॉलेज कहते हैं।
हमारे पास ऑथोरिटेटिव नॉलेज ही जो है रिसर्च बेस्ड होती है, प्रूफ्ड होती है साइंटिस्ट के द्वारा, और परमानेंट और यूनिवर्सल होती है. जैसे कि अर्थ रोल अराउंड द सन, ठीक है, या सन जो है वो राइज होता है ईस्ट से. ऐसी साइंटिफिक नॉलेज जो है ये भी एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से गेन होती है, और लेकिन ये वेरीफाइड होती है टेस्ट पे, लेकिन ये चेंजेबल होती है, मतलब ये यूनिवर्सल नहीं होती. जैसे कि साउंड वेव्स कितनी देर में रिफ्लेक्ट होती हैं ओशन से, फ्लोर से, लेकिन ये चेंजेबल है, मीन्स कभी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, इसको परमानेंट नहीं कह सकते. तो ये डिफरेंस है अथॉरिटेटिव और साइंटिफिक नॉलेज के अंदर, कि एक जो है परमानेंट हो जाती है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और एक जो एक्सपेरिमेंट के बाद भी चेंजेबल होती है. तो ऐसे ही सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 15 जो जिसमें नॉलेज एक्सप्लेन की गई है, उसमें बहुत सारे MCQs हैं ऐसे जो कि पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नॉलेज. तो रैशनल नॉलेज क्या है, कि जिसके अंदर हमें रीजंस की, लॉजिक्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि जितनी भी मैथमेटिकल नॉलेज है उसके अंदर जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैथड्स यूज़ होते हैं रीजनिंग के लिए, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, रैशनल नॉलेज के अंदर आ जाते हैं. फिर हमारे पास रिवील नॉलेज, ये कि रिलीजियस जो बुक्स हैं उसमें से हमें मिलती हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको हम कहते हैं, ठीक है, डिवाइन सोर्स से मिलती है. तो इसको आप सोर्स ऑफ नॉलेज में भी ऐड कर सकते हैं, हमने किया नहीं था, तो उसके अंदर भी आप लिख सकते हो कि ये भी एक सोर्स है जिससे हमें न्यू नॉलेज मिल सकती है. जैसे एग्जाम्पल है गॉड इज़ लाइट. फिर हमारे पास इंट्यूटिव नॉलेज, ये जो है स्पॉन्टेनियस होती है, जैसे कि हमने सोर्स ऑफ नॉलेज में भी समझा था कि अचानक से मिलती है. तो ये भी एक नॉलेज का टाइप है जो कि हमारे अंदर से मिलती है हमें, इसमें सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होती, सिक्स्थ सेंस जिसको कहते हैं वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर. फिर है हमारे पास एक्सप्लिसिट नॉलेज, जो है वो नॉलेज जो कि कॉडिफाइड की जा सकती है, मीन्स फाइल्स के अंदर स्टोर की जा सकती है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर की जा सकती है, जो मतलब शेयर की जा सकती है. शेयर करना ईजी है किसी से, ठीक है, पब्लिकली उसको, और विजिबल है. तो ऐसी नॉलेज जो स्टोर होती है तो उसको हम एक्सप्लिसिट कहते हैं. फिर होती है टैसिट नॉलेज, जैसे इसकी अपोजिट होती है, जो कि हमारे अंदर है, मतलब हम उसको डिफ़िकल्ट उसको शेयर नहीं कर सकते, वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे जो इमोशन है, एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है. तो ऐसी नॉलेज जो होती है वो इनटेंजिबल होती है, इनविजिबल होती है, प्राइवेट होती है, और शेयर करना डिफ़िकल्ट होता है. तो कहते हैं कि किसी भी ऑफिस के अंदर जो नॉलेज जितनी हम शेयर करते हैं एक्सप्लिसिट, वो सिर्फ 20% ही होती है, बाकी जो है हमारे अंदर ही रह जाती है, 80% नॉलेज जो है. तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. बाकी नॉलेज भी आप बीएड के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वो 15 टाइप्स ऑफ नॉलेज उसके अंदर एक्सप्लेन है. नेक्स्ट है हमारे पास नोइंग क्या है. नोइंग को मैं पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिफरेंसेस के वजह से, आप उसमें भी समझ सकते हैं अच्छे से कि नॉलेज और नोइंग में क्या डिफरेंस होता है. यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के वजह से लिखा हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन जिस भी यूनिवर्सिटी में सिलेबस में है वो डेफिनेशन के वजह से ही पूछा गया है, तो इसलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो नॉलेज जो है सबसे पहले, नोइंग जो है वो नॉलेज के ऊपर ही बिल्ड होती है, मीन सबसे पहले हमारे पास नॉलेज ही होती है, नोइंग बाद में आता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है. मतलब जब हम नॉलेज को ही प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसके ऑनर बन जाते हैं, या वो खुद नॉलेज ही हमारा जीवन बन जाती है, उसको लीव करते हैं उस नॉलेज को, तब हम उसको नोइंग कह देते हैं, ठीक है. तो नॉलेज जो है ये हमारे अंदर से अराइज होती है, कि नॉलेज को नोइंग कैसे बनाना है, और ये इन्फ्लुएंस होती है हमारे इमोशन से, हमारे ओपिनियन से. डिक्शनरी की डेफिनेशंस भी आप लिख सकते हैं इसको, कि नोइंग जो है वो एक रिफ्लेक्टिंग नॉलेज ही है. मतलब जब नॉलेज को हम रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं और इसको रिकग्नाइज करते हैं एज अ सेम प्रीवियसली नॉलेज को, जब हम उसको एज अ बीइंग रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं और कॉन्शियसली अवेयर हो जाते हैं कि वो प्रैक्टिकली कैसे अकर होएगी, ठीक है. तो ये डेफिनेशंस भी आप इसमें लिख सकते हो. तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप स्पॉटिंग दिस चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी.